Saka Yousuf, thank you so much for making time for us. I hope you're keeping well, and I know you're on a journey right now to your match. All the best for that. Wa alaikum salam. Thank you very much. Hanji, abhi to hum bus mein baithe hue on the way for away game. Zabardast, aapne hamare time nikala, uske liye bahut shukriya. Aur pehla sawal Yousuf, main aapse ye puchna chahunga, being one of the longest members of the Pakistan national team, kaisa aapka experience abhi tak raha hai? Kuch insights hamare saath please share kijiyega. हाँ जी, हाँ जी, अभी कितने साल हो गए? अब मैं ख्याल है 11 साल हो गया कि 12 साल हो गए मुझे नेशनल टीम के साथ आने के साथ. हाँ जी, 12 साल हो गया. अनफॉर्चुनेटली इन 12 साल में इतना खेला नहीं. इवन दो हर एक दफ़ा मैं टीम के अंदर शामिल होता हूँ, पर आपको भी पता है कि कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स काफ़ी चलता है स्पोर्ट्स में. और क्या कहते हैं वो, मेरा ख्याल है 6 के 7 साल हुए हुए हैं कि हमें स्टॉप हुई हुई है ऑल टुगेदर. अगर आप इन 12 साल में हिसाब लगाओ, फिर क्या कहते हैं, बट जब भी खेलते हैं फिर तो कहते हैं इट्स बाय फार क्या कहते हैं द बिगेस्ट एक्सपीरियंस जो होता है, जब जब एंथम एंथम आता है और हम सब भाई होते हैं और खेलते हैं पाकिस्तान के लिए, तो हमें बहुत बहुत प्राउड फीलिंग होती है ना. बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्राउड फीलिंग होती है टू प्ले फॉर द नेशन. एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फुटबॉल के साथ बहुत मसले भी रहे. तो मेरा सवाल यही आपसे अगला सवाल था कि आप अपने आप को किस तरह से मोटिवेट रखते हैं इस मुश्किल टाइम में, एंड ऑफ कोर्स शोइंग अप ईच टाइम फॉर द नेशनल टीम. अब आगे जाके कुछ फ्रेंडलीज भी आने वाली हैं. जी बिल्कुल, मोटिवेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए इसलिए जब जब खेलते हैं, जो अब आप देखो, अब मैं डेनमार्क में भी खेलता हूँ, मैंने तकरीबन 300 प्रोफेशनल गेम खेले हुए हैं, हमारे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन में भी, क्या कहते हैं, और उसका कोई हिसाब नहीं है जब क्या कहते हैं नेशनल टीम्स के, जब पाकिस्तान का गेम होता है वो बाय फार द सबसे बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस होता है, कंपेयर भी नहीं हो सकता. इसलिए जब फुटबॉल खेलते हो कि एक फीलिंग भी होता है कि जब क्लब पे खेलते हो, हाँ जी, आपको इतना इतना फर्क नहीं होता बंदे को, जब जीतते हो कि हारते हो, ऑफ कोर्स होता है, बट जब जब पाकिस्तान से खेलते हैं फिर तो लाइफ एंड डेथ होती है. बिल्कुल सही है, हमें बड़ी खुशी है कि आप जैसे लोग इतना जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए. यहीं पे जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर बहुत पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से इतने टाइम से फुटबॉल नहीं हुई. एक तो ऊपर के लेवल पे जहाँ पे मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, एक और चीज, एक डिबेट सामने आती है एक्सपैट प्लेयर्स को लेके और लोकल प्लेयर्स को लेके. इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये मैं तो बहुत बहुत बुरा क्या कहते हैं, सोचना चाहिए कि क्या कौन से वर्ड लफ्ज मैं इस्तेमाल करूँ, इसलिए मुझे ये बात पसंद नहीं है. इसलिए देखो, हम सब पाकिस्तानी है, अगर मैं यहाँ पर डेनमार्क में रह रहा हूँ कि और की ओर रह रहा है, डिफरेंस कोई नहीं है. और ये जब मैंने पहले ज्वाइन किया था नेशनल टीम में 2012 में या 13 में 14 में, हमें सबको कहते थे ये फॉरेन प्लेयर्स है, पर ये फॉरेन प्लेयर्स आके हमारा हक खाते हैं, ये हक खाने वाली बात नहीं है, ये हम सबसे बेस्ट जो होना चाहिए खेलना चाहिए. और अगर वो कोई लोकल प्लेयर, कोई फॉरेन प्लेयर, जो फॉरेन प्लेयर कहते हैं, हम सब पाकिस्तानी, अगर बाहर खेलते हो कि पाकिस्तान के अंदर खेलते हो, जो टैलेंट होती है, टैलेंट होती है, जो कि कहते हैं ये जो बात होती है हमारे फुटबॉल का, शुड ओनली बी फुटबॉल के खिलाफ, के खिलाफ नहीं, सॉरी, अंदर, सॉरी. और हम सब, हम बहुत प्राउड है पाकिस्तानी होने का और ये कहते हैं खेलने का, फिर इस बात पे बात होनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों हमेशा होती है, अभी 12 साल के बाद अभी तक यही बात होती है, बार के कहते हैं समझ नहीं आती क्यों होती है, इसलिए हम सब पाकिस्तानी हैं. बिल्कुल सही है, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ. देयर हैज टू बी अ वेरी गुड बैलेंस. और हम रिसेंटली देखे मोरक्को ने जो इतना आगे तक वर्ल्ड कप में आए, मेजोरिटी प्लेयर्स जो थे वो मोरक्को में वो नहीं रहते. और आप जैसे लोग जो अभी भी मोटिवेट हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, ज्यादा उनको इनकरेज करना चाहिए. तो अच्छी बात भी करते हैं, आपके जो टीम मेट हैं आपके साथ हसन बशीर, वो भी पाकिस्तान के एक स्टॉलवर्ट हैं पाकिस्तान के फुटबॉल में, और क्लब भी आप लोग साथ ही खेलते हैं. हाउ इज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू, और क्लब में साथ खेलना, पाकिस्तान के लिए साथ खेलना? हाँ जी, वो असन भाई तो मेरा भाई है ना, हमारे नेशनल टीम में भी जब हम होते हैं, हम सब भाई होते हैं ना, और अबर हसन भाई और मेरा थोड़ा और डिफरेंट रिलेशनशिप है, इसलिए क्या कहते हैं,
हमने क्लब फुटबॉल भी खेला आखिरी 8 सालों का साथ 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 खेलते हैं, और नेशनल टीम पे भी, फिर वो हमारा थोड़ा और स्पेशल फीलिंग होती है। बिल्कुल ठीक हसन, सॉरी यूसुफ, आखिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ गोलकीपिंग के बारे में बताएं, कितनी स्पेशलाइज चीज है, कितनी आपकी इसमें मेहनत जाती है अपने आप को फिट रखने के लिए, और जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जो यंग यंगस्टर्स जो आपको सुन रहे हैं, मोटिवेशनल आपसे देना चाह रहे हैं टू प्ले फॉर द पाकिस्तान टीम इस बार, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, कहते हैं गोलकीपिंग तो क्या कहते हैं, ये बहुत मुश्किल पोजीशन होती है, इसलिए बस एक ही होता है क्या कहते हैं। और मेरे गोलकीपिंग का ट्रेनिंग तो बहुत हुई हुई है, जब का ये मैं 7 साल का मैंने शुरू किया था, और मैं अभी तक ट्रेनिंग करता हूँ तकरीबन 8 से 9 दफा हफ्ते के अंदर, और वो होता है चार चार दफा हफ्ते में, तो स्पेसिफिक खाली गोलकीपिंग ट्रेनिंग, और कुछ भी नहीं होता, खाली गोलकीपिंग, शॉट शॉट शॉट्स हमेशा ट्रेनिंग। फिर हमारा जिम सेशंस भी होते हैं 3 दफा हफ्ते में, फिर टीम ट्रेनिंग भी होती है, पर काफी 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 ट्रेनिंग जाती है इसमें। और क्या कहते हैं, और एडवाइस है ये सब यंगस्टर्स के लिए, ये है ट्रेनिंग तो जरूरी होती है, ट्रेनिंग पे फोकस होनी चाहिए, और हमेशा डेवलप करने का, और एक्सक्यूसेस ना ढूंढने का कि जी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास फील नहीं है, जो भी है आप उस पर काम करो, और इंशाल्लाह हार्ड काम करके, एक मेरा ये एक हमारा एक उस्ताद होते थे, वो हमेशा जब जब स्कूल का होता था कि फुटबॉल का, मैं उनको पूछा जी सिकार जी आप हम मिलकर दुआ करना, कहते यूसुफ तूने ट्रेनिंग किया, मैं जी जी कहते हर एक दफा ट्रेनिंग किया, दिन में 2 दफा किया, मैं जी क्या तुम फिक्र ना करो, ये सबसे बिगेस्ट दुआ था, मैं दुआ भी करूँगा, पर सबसे बिगेस्ट दुआ ये आपका हार्ड वर्क है, वो भी देखते हैं, और यही मेरा एडवाइस होगा। आपने बहुत ही अच्छी बात की, आपकी बात सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है कि आपकी ट्रेनिंग ही सबसे बड़ी दुआ है। थैंक यू सो मच यूसुफ, आपने इतनी अच्छी हमारे साथ गुफ्तगू की, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अवे मैच राइट नाउ, एंड शुक्रिया थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आपसे टच में रहेंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लब एंड नेशनल फ्यूचर एज वेल। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नाफिस नाफिस। बेस्ट।